हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। फ्रेंड्स, आज यहां हम आपको प्रोलुटन डिपोर्ट 250 एमजी इंजेक्शन के बारे में जानकारी देंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रोलुटन डिपोर्ट महिलाओं को कब और क्यों दिया जाता है और इसका ड्यूरेशन क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है, महिलाओं को इस इंजेक्शन की जरूरत क्यों होती है और डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को लगाने का मकसद क्या होता है और किस वजह से ये इंजेक्शन दिया जाता है, तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। प्रोलुटन डिपोर्ट 250 mg इंजेक्शन में हाइड्रोप्रोजिस्टोन एक प्रोजिस्टिन महिला हार्मोन्स होता है जो फीटस की अस्वीकृति यानी कि रिजेक्शन को रोकने का काम करता है, जो गर्भवती से गर्भ से जुड़ी इस अनुमति देने के लिए गर्भवती महिलाओं की अब प्रतिरक्षा प्रणाली यानी के इम्यून रेस्पॉन्स को नियंत्रित करके काम करता है। प्रोलुटन डिपोर्ट 250 mg इंजेक्शन 1 ml में आता है जो गर्भपात को रोकता है और उन गर्भवती महिलाओं में समय से पहले जोखिम को कम करता है जिन्हें पहले समय से पहले प्रसव हुआ हो। प्रोलुटन डिपोर्ट 250 mg इंजेक्शन केवल उन गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है जो समय से पहले यानी कि एक बच्चे से गर्भवती हैं या जिनकी पहले एक बच्चे की समय से पहले डिलीवरी यानी कि हुई हो, उन महिलाओं को इस इंजेक्शन को दिया जाता है। अब ये इंजेक्शन किस में यूज आता है, तो ये इंजेक्शन परमेच्योर लेवल में यूज किया जाता है। इसके बेनिफिट क्या है वो भी जान लेते हैं। प्रोलुटन डिपोर्ट 250 mg इंजेक्शन में हाइड्रोप्रोजिस्टोन एक महिला प्रोजिस्टिन हार्मोन्स होता है जिसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जाता है जिन्हें अतीत में बहुत जल्दी समय से पहले बच्चे को जन्म देने की दिक्कत आई हो या फीटस की अस्वीकृति को रोकना और गर्भाशय से उसके जुड़ाव की अनुमति देने के लिए एक गर्भवती महिला की प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून रेस्पॉन्स को सुधार करके काम करता है। प्रोलुटन डिपोर्ट 250 mg इंजेक्शन गर्भ को रोकता है और उन गर्भवती महिलाओं में समय से पहले जन्म के जोखिम को कम करने में मदद करता है जिनकी पहले समय से डिलीवरी हो चुकी हो। आइए इसके यूजेस क्या है वो भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके यूजेस में यानी कि ये इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा और नर्स द्वारा दिया जाता है, इस इंजेक्शन को खुद से प्रयोग नहीं किया जाता है और इसका ड्यूरेशन होता है 16 से 20 हफ्ते के बीच में इसको दिया जाता है और 37 हफ्ते तक इसका यूज किया जाता है और ये डिलीवरी के टाइम तक भी इसको दे सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साइड इफेक्ट में है नोजिया, वोमिटिंग, ईचिंग, हैवी रश यानी के स्किन में रश होना, होंठों पे, चेहरे पर, टंग्स में या गले पर सूजन आना और डायरिया की शिकायत होना। इस तरीके के सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, ये थे इस वीडियो पर कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।